नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां आज फिर सड़कों पर हैं। लगातार उनकी मांग है और मांग है उनका वेतन भत्ता बढ़ाया जाए, उनका मेहनताना बढ़ाया जाए। हालांकि इस बीच एक खुशी की बात जरूर थी कि जो केंद्र थे मिनी केंद्र, उनको उच्चीकृत किया गया है, जिसको लेकर यहाँ की प्रदेश सरकार ने इनकी मांग मान ली है और राज्यपाल की संस्तुति के बाद इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैकड़ों कार्यकर्त्रियां मौजूद हैं आंगनवाड़ी की। हम उनसे जानेंगे उनका क्या व्यू है और किन मांगों को लेकर अभी भी वो सड़कों पर हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका शेष उत्तराखंड को। धन्यवाद मैडम। क्या कहेंगी जो आप लोगों का उच्चीकृत मान लिया गया है और अभी भी किन मांगों पे आप लोग सड़कों पर? देखिए, जो हमारी मिनी बहनें थी उनका उच्चीकरण होना, हमने बहुत दिनों से उनकी मांग पत्र रखा हुआ था सरकार के लिए और हम धन्यवाद भी करते हैं सरकार का, उन्होंने उच्चीकरण करना चाहिए था क्योंकि उनका समान कार्य बराबर था, समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग हम कर रहे थे। तो हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने हमारी बहनों को उच्चीकृत किया है। अच्छा, अभी भी आप लोग किन बातों को लेकर सड़कों पर हैं, क्या मांगे प्रमुख? देखिए, हमारी मांग तो मानदेय बढ़ोतरी की, क्योंकि हम लगातार उसी बात को लेकर कि हमारा मानदेय बढ़ो, हम जब आपने हमें मजदूर बोला है, हम न्यूनतम मजदूरी मांग रहे हैं। हमारा मजदूर ये कि न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये हमको देके 18,000 रुपये मानदेय कर दिए। हमने पिछली बार भी जो आंदोलन किए थे उस समय धामी सरकार जी ने उनका हमारा 1800-1500 बढ़ाया था, हम तो 18,000 की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा जैसे जैसे हमारी सरकार आगे चलेगी हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे। लेकिन हम फिर उसी बात को लेकर उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने हमसे वादा किया था, जब आपने हमने आपको चांदी के मुकुट वादा किया था, निभाना पड़ेगा, चांदी का मुकुट भी आपने पहना था। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सरकारें वाई ठीक है लूट रही हैं कि जो 5,000 से ऊपर मिनी आंगनवाड़ी को प्रमोट वाली बात है, तो वो एक ऐतिहासिक फैसला है और उसके लिए हम माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारी बहनों के साथ ये सही हुआ है, समानता का जो है। लेकिन लड़ाई न्यूनतम मजदूरी की है कि 600 रुपये रोजाना जो हमें मजदूरी मिले 18,000 हो। मैं सरकारों से ये बोलना चाहती हूँ कि कल जो बजट पेश हुआ है, आप कहते हैं महिलाओं पे फोकस किया गया है, आपने करोड़ों रुपए जो बजट का प्रावधान रखा है कि हम महालक्ष्मी किरण वितरण करेंगे, बाल प्लस योजना है कि जिससे हमारी महिलाओं को लाभ मिलेगा। मैं अपनी माननीय मंत्री जी से सरकारों से ये बोलना चाहती हूँ कि आपके इन करोड़ों की बजट की जो योजनाएं हैं इनको धरातल तक ले जाने का काम कौन करेंगे? हमारी आंगनवाड़ियाँ इन्हीं के कंधे पर। बिल्कुल ठीक है, जब योजनाओं का क्रियान्वयन आप लोगों के कंधे पर है तो आप लोगों का मानदेय बढ़ाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बस मैं भी जो मैम बोल रही थी ना, मानदेय वृद्धि होनी चाहिए, हक है हमारा, भीख तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है, अधिकार है, हक है, भीख नहीं है। आप क्या कहेंगे? मानदेय 18,000 होना चाहिए जो नॉर्मल है। हमारे से कार्य लिए इतने सारे लिए जाते हैं पर मानदेय हमारा नहीं बढ़ रहा है, हम यही चाहेंगे कि हमारा मानदेय बढ़े। अच्छा, न्यूनतम मजदूरी की बात होती है और ये इसलिए कि घर चलाने में क्या क्या समस्याएं, क्योंकि आप लोग जो है महिला शक्ति, हमारी कैबिनेट भी है, घर भी आप लोग चलाते हैं, बताइए। मैं एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ, जो प्राइमरी टीचर्स होती हैं वो स्कूल में जाती हैं, वो भी वही काम करती है जो हम लोग करते हैं। हम लोगों में भी एक से एक बढ़कर टीम, मतलब मैम है जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उन लोगों का पे होती है 40-45 हज़ार और हम लोगों के पे है सब 9,000 रुपये। उनके लिए भोजन माताएं भी होती हैं, उनको छुट्टी के लिए 2 महीने की छुट्टी भी मिलती है। हम लोगों का भी बीएलओ का काम है, पोलियो का काम है, हमारे एक्स्ट्रा काम हमारे लिए ऑनलाइन काम है। उन लोगों का सब ये क्या जाके अटेंडेंस लगाना और बच्चों को देखना, तो क्या हमारा तालमेल उनसे नहीं बनता? बिल्कुल बनता। आप लोग तालमेल की बात कर रहे हैं, मेहनताना की बात कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं? मैं टेहरी से हूँ। मैं अपने माननीय मंत्री जी से एक ही निवेदन है, अनुरोध भी करती हूँ उनसे, हमें कुछ ना दें वो 18,000 रुपये में न्यूनतम मजदूरी को देख के मानदेय दे दें। अब इसी में हम खुश हैं, अधिक हम बोल के क्या है, हमारा इतना ही बहुत है, हमें 18,000 रुपये मानदेय दे दें। मानदेय बहुत जरूरी बात है, चूँकि जो घर चलता है उसके लिए बजट की आवश्यकता होती है और एक मजदूरी के बराबर इनकी मांग है। आप लोगों को क्या और समस्याएं आती है घर चलाने में? घर चलाने में हमें देखिए सर, हमें अगर न्यूनतम मजदूरी, एक मजदूर भी जाता है तो शाम तक वो मजदूरी करके लाता है तो कम से कम 600-700 रुपये कमा के लाता है और हम मात्र, हमें जो सरकार, केंद्र सरकार जो दे रही है मात्र 150 रुपये में। देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने स्कूल लेने जाती हूँ तो हम सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है कि हम बड़े बड़े स्कूलों को, प्राइवेटों को अच्छी वो दे सके, तो हम सरकारी स्कूल में डाला है हमने अपने बच्चों को। तो हम जब जाते हैं तो हमारा जो है इतना तो किराया ही लग जाता है, तो हमारा कम से कम प्रतिदिन का जो हमें मजदूरी मिलती है, हमारी जो दिहाड़ी है, हम अपनी दिहाड़ी मांग रहे हैं, हमारी जो मजदूरी है हम वो मांग रहे हैं। हम सरकार से ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें बहुत बड़ा अधिकारी बना दो, हमारी जो बिल्कुल ठीक है वाजिब मांग है, मेहनताने की बात हो रही है। आप क्या कहती हैं कि जो उच्चीकरण किया गया है, ये एक आप लोगों की एक मांग थी, उसको तो मांग लिया गया, लेकिन अब जो स्थिति है वो क्या है, कितना मजबूर आप लोग? जी सर, हमें बहुत मजबूर किया जाता है, हर जगह से हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है। हम लोग गरीब तबके की, वीडो, तलाकशुदा, यही सब अकेली महिलाओं के लिए ये नौकरी है, लेकिन हम लोगों को इस बार शोषण किया जाता है, हर चीज़ में हमें आगे बुलाया जाता है, बीएलओ में हमारे प्रेशर डाला जाता है
और हम लोग इस मजबूरी से हम अपने बच्चे नहीं देख पाते सर। हम लोग अपने बच्चे सड़क पर छोड़ के सोशल वर्कर हैं, तो हमारा मानदेय इतना किया जाए कि हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर सकें, पढ़ा सकें। कम से कम 18,000 न्यूनतम वेतन एक दिन का जो 600 बनता है वो तो हमें दिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, एक दिन का न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे मैडम? आंगनवाड़ी ज्यादातर मिलता है जो आप भाई, हम तो सरकार से यही बोलते हैं कि हम लोगों को एक मजदूरी वाला वेतन जरूर मिलना चाहिए, और जब तक हमारा जो है एक मजदूरी का वेतन नहीं मिलेगा, हमारी कोई भी आंगनवाड़ी जो है यहाँ से उठेगी नहीं। आप लोग आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक मांग नहीं मानी जाएगी। सबकी एक ही मांग है सर, हमें जो है न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, काम का दाम मिलना चाहिए। न्यूनतम वेतन 18,000 न्यूनतम वेतन सर, एक एक न्यूनतम वेतन 18,000। आंगनबाड़ी में जितने भी हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, ज्यादातर परित्यक्ता और सिंगल मदर भी हैं, है ना। अच्छा, एक स्वर में आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करिए, क्या कहेंगे एक स्वर में, सरकार सुनेगी। 18,000 चाहिए, इससे कम चाहिए, हमें हमारा हक। 18,000 हमें हमारा हक चाहिए, नहीं किसी से भीख चाहिए। वेतन भोगी, वेतन भोगी, अपना हक हम लेके रहेंगे। तो देखा आपने, बात है मांग की, और मांग है कि 18,000 रुपए एटलीस्ट वेतन मान इन लोगों को दिया जाए, जिससे एक मजदूर जितनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए। जब जिम्मेदारियों की बात होती है या काम लेने की बात होती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं, लेकिन जब मानदेय बढ़ाने की बात होती है तब फिर उनको उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। तो इसी मांग को लेकर लगातार सड़कों पर हैं। लेकिन हाँ, एक मांग जो थी कि मिनी केंद्रों का उच्चीकरण किया जाए, वो मांग मान ली गई, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन जो यक्ष प्रश्न है वो है मानदेय। तो मानदेय बढ़ाने को लेकर लगातार इन लोगों की मांग मुखर हो रही है, और सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इनकी मांग मान ली जाए, ताकि इनका इनका घर, इनका परिवार और इनकी जिम्मेदारियां सब कुछ सुचारू रूप से चल सके। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।